हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शार्की और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीदरलैंड के हवाले से, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जो है वो इसके टोटल डिटेल बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड के हवाले से कि आपको नीदरलैंड में सबसे बड़ी जो चीज़ आपको जो है वो नीदरलैंड के बारे में मैं बताता चलूँ, काफ़ी हाई सैलरीज हैं। ठीक है, आपने पाकिस्तान, इंडिया या जिस भी कंट्री में रहना है, आपने काम तो करना ही करना है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको काम ना करना पड़े, तो क्यों ना आप थोड़ा काम करके ज़्यादा पैसे अर्न करें। अच्छा, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया कीजिए कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ क्या या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं जिन्हें इवन के अपना नाम तक नहीं लिखना आता, मगर वो कमेंट कर देते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है भाई, मैंने इतने कंट्रीज घूमे हैं, मेहनत की है, मैं भी आप लोगों की तरह गरीब हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करो। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कंट्री के लोग हैं ना, वो एक दूसरे को नीचा दिखा के अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले इस दुनिया से, इन लोगों से थोड़ा सा किनारा कर लें। जब मैंने कुछ बनना था ना, मुझे याद है आई वॉज इन मैट्रिक, तो मैंने अपने सब दोस्तों से जो है मिलना मिलाना छोड़ दिया था। तब मैं होता था, मेरा कमरा होता था और बुक्स होती थी। और अगर आपने कुछ बनना है तो अपना फ़ोन रखें, अपने इन्फॉर्मेशन अपने बलबूते पर कलेक्ट करना शुरू करें, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। ये सिर्फ मेरी प्रो टिप थी। तो ये टिप देने के बाद हम चलते हैं नेदरलैंड के ऊपर। नेदरलैंड काफ़ी हाई जो है वो वेजेस वाला कंट्री है, जहाँ पे आपको काफ़ी हाई वेजेस मिलते हैं। जब हाई वेजेस मिलेंगे तो हाई टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं टैक्स 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 के ऊपर, मैं एक मजीद वीडियो बना दूंगा, फिर आपको टैक्स का पता चल जाएगा। ये इस्लाम से भी टैक्स जो लेना है वो जायज़ है, और इसके अलावा वैसे भी टैक्स के बहुत बेनिफिट है। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। जी हाँ, 24% जो है वो आपकी सैलरी का टैक्स मिल जाता है। यार, अगर आप 9 लाख कमा रहे हो, 9 लाख में से अगर आप 24% टैक्स देते हो, और उसके अलावा आपकी हेल्थ, आपके बच्चों की जो है वो पढ़ाई, एजुकेशन, सब कुछ आपको मिलता है, तो आपको देने में क्या मौत पड़ती है। तो खैर, बातें थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, चलें टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि यार मेरा मकसद है आप लोगों को और अनएजुकेटेड लोगों को प्रॉपरली समझाना। सबसे पहले हम नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं। देखें, अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड पे जो है वो आपको जर्मनी मिल जाता है, इसका बॉर्डर टच होता है नीदरलैंड का, आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। फिर ये ना कह देना कि ये भी मेरी पुप्पू ने बना के दिया था, या मेरी खाला ने, या मेरे किसी रिश्तेदार ने ये नक्शा बना के दिया था और मैं सब बातें झूठ बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च किया करें, आप लोगों से खुदा का वास्ता। खास तौर पे जो मेरे पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि अपने लोगों के पीछे पड़े हुए। खैर, छोड़ें, आगे चलते हैं। मगर आप लोगों का प्यार भी है, जहाँ पे पाकिस्तान के जो है वो अनएजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे एजुकेटेड लोग में बहुत सारे लोगों का प्यार भी है, तो लव यू। अच्छा, जर्मनी है आपको ईस्ट में मिल जाता है, बेल्जियम आपको मिल जाता है साउथ में। ठीक है, साउथ में इसके यहाँ से बॉर्डर भी टच है। अब आप कहेंगे, अगर आपका मतलब सपोज, सबसे बड़ी बात है कि शेंगेन कंट्री में जाने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपको ये मिल जाता है कि अगर आप एक कंट्री में सेटल नहीं हो पा रहे, तो आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, क्रोएशिया जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं, ठीक है, नॉर्वे जा सकते हैं, लक्समबर्ग जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए बड़ी स्क्रीन लेके आऊँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझा सकूँ कि एक्चुअली चीज़ें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नीदरलैंड के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है govt.portal, और इसके अलावा आगे चल के मैं एक और भी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप अपने कंट्री में बैठे हुए जॉब कर भी सकते हो, जॉब हासिल भी कर सकते हो, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस भी हासिल कर सकते, वहां पे जाके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि नीदरलैंड में जो है वो एम्स्टरडैम जो है वो इसका कैपिटल है। इसके अंदर आपको मित्सुबिशी की कंपनी है, फेमस कंपनीज है जहाँ पे आपको काम मिल सकता है। TCS का नाम आपने सुना होगा, कैनन है, हिताची है, ठीक है, कैसियो है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा टूरिस्ट कंट्री है, ठीक है, आपको जो है वो होटल, अगर आप अपना बिजनेस करते हो, एज अ वेटर करते हो, किचन में काम करते हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ खाने बनाने, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, IT सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। ये मत पूछा करें मैं वेल्डर हूँ, हाँ रेडी वाले की जॉब नहीं है, जो रेडी चलाता है वो उसकी जॉब नहीं है, मगर हेल्पर ज़रूर आप बन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फजूल क्वेश्चंस ना पूछा करें, जॉब्स हर तरह की अवेलेबल होती हैं। सैलरीज के हवाले से मैं बात करता चलूं कि आपको जो है वो पर मंथ कितनी सैलरी जो है वो प्रोवाइड जो है वो हो जाती है। देखिए, अगर हम पर मंथ की बात करें तो आप 3041 यूरो जो है वो पर मंथ जो है वो ग्रोस सैलरी, मगर अगर आप टैक्स दे दूँ कि अगर आपका 600 टैक्स निकल गया तो आपको 2400 नेट मिलता है। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में 2400 यूरो
8 घंटे काम करके, जिसमें आपको हर फैसिलिटी भी दी जाती है, एसी भी, वाईफाई भी, सारा कुछ, और ज्यादा बॉस का चिक चिक भी नहीं, गालियां भी देने वाला बॉस नहीं होता, जिदा अपने कंट्री च गाला करते, कौन थानू इन्नी वड्डी सैलरी देगा। इन 2400 नू कन्वर्ट करो तुहाडे ऑलमोस्ट कंट्री के आई थिंक 7 to 8 लाख रुपीज बन जाते हैं, जो नेट नेट प्रॉफिट आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आपका आर्मी के बड़े ऑफिसर्स या पुलिस या कोई भी बड़े बड़े लोग भी इतनी हाई सैलरीज नहीं लेते हैं जो कि एक लेबर लेता है, ये मैं बिल्कुल आपको लेबर की बता रहा हूँ, ठीक है। और आपकी ये पर ईयर्स के, अगर एनुअल की बात करें, एनुअल कहते हैं पूरे साल की सैलरी को, अगर आप अपने पूरे साल की सैलरी काउंट करें, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया वाले लोग जो हैं वो पर ईयर जो है वो काउंट नहीं करते, बट आपको बता दूँ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा वगैरह में पर ईयर की सैलरी जो है वो काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 37,000 जो है वो आपको ग्रोस मिलती है, जिसमें से आप 27,900 जो है वो सैलरी घर लेके जाते हो, जिन्हों आप कहते हैं नेट, ठीक है। पर प्लस तो 8% हॉलीडेज अलाउंस भी मिलता वा, जिहड़ा मतलब आप हॉलीडे छुट्टी करते हैं ना अपने कंट्री से तो नहीं ना देंगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा जो है वो आपको छुट्टियां भी दी जाती हैं। आपको ये बताता चलूं कि आपको हर साल के ऊपर 1 महीने की छुट्टी दी जाती है और उस पूरी फुल पेड सैलरी मिलती है आपको, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अगर मिनिमम मतलब बिल्कुल लो क्लास बंदा ना, मतलब बिल्कुल लो क्लास, तो उसको 405 यूरो तो पर वीक मिलेगा। मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, घुनना है बस, उसने यूँ खड़े होना और बताना, इंस्ट्रक्शन भी देनी या छुरी पकड़ा दो, कोई चीज़ पकड़ा दो, तो ये चीज़ें आप जो है वो यहाँ पे आपको इतना मतलब मिलता है। और अगर पर डे की बात करो तो 81 यूरो जो है वो पर डे है, ठीक है। अब वो आप सारा खा जाएं, उड़ा जाएं और फिर कहें भाई जी हमें बचता नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी तरह लग्जरियस लाइफ गुजारोगे, अच्छी ये वो होटल में खाना पीना, तो आपके पैसे तो नहीं बचने वाले। हाँ, अगर आपका बिजनेस माइंड है कम, जैसे मैंने एक ही कपड़े लिए हैं, इसी कपड़े में वीडियो बनाता हूँ, तो ये इसी तरह आप थोड़ा पैसे बचा के अगर आप कुछ करें, तो जल्दी आप मेरी तरह कुछ छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, जिससे आपको साइड इनकम आना शुरू हो जाएगी। एसेट्स पे पैसे लगाएं, ना कि हाथों में और सोने की चैने मैंने पहने बिजली तो नहीं होगी, चले आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एम्स्टर्डम इज द मोस्ट जो है वो साउथ अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा जी, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही जो है वो बढ़िया कंट्री है। इसके अलावा एम्स्टर्डम की जो पॉपुलेशन है वो टूरिस्ट पे बहुत डिपेंड करती है। देखिए, आप अगर छोटा सा स्टॉल भी लगा लेते हैं, जैसे टूरिस्ट के लिए आपने कुछ लगा लिया, पाउचेस बेचना शुरू कर लिए, या आपने इस तरह का भी आइटम खरीद लिया, तो आप एक दिन में अगर 200 यूरो भी बनाए तो 6000 यूरो तक बनता है, ठीक है। पानी बेचें, कुछ भी, खैर वो आप पे डिपेंड करता है, ये तो सिर्फ एक बिजनेस आइडिया। तो 5.4 मिलियन विजिटर जो है वो हर साल यहाँ पे आते हैं इस कंट्री में, तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जी हम बात करते हैं जी एम्स्टर्डम के लिए। अच्छा, आपको यहाँ पे जॉब, इसके अलावा कौन सी जॉब है, देखिए इन्वेंटर्स, अगर आप इन्वेंटर हैं कि जैसे कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, तो आपके लिए एम्स्टर्डम जैसी कोई जगह ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जाएं लोगों को बताएं यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, तो यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट आप जो है वो कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अपना कोई बिजनेस खोल लें, शॉप खोल लें, शर्ट की शॉप खोल लें, शूज़ की शॉप खोल लें, मोबाइल शॉप खोल लें, टीवी कैसेट, मतलब कुछ भी जिसने करना है ना, जिसके पास बिजनेस आइडिया है, तो वो आइडिया। इसके अलावा आप फाउंडर हैं, मतलब किसी चीज़ के फाउंडर हैं, आपने कोई जो है वो वीडियोग्राफिक के फाउंडर हैं, या किसी मार्शल आर्ट के फाउंडर हैं, किकबॉक्सिंग के फाउंडर हैं, तो आप अपना जो है वो स्टाइल भी वहाँ पे चला सकते हैं। इसके अलावा स्किल्ड प्रोफेशनल में डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो ये सब लोग तो आते हैं, आप लोगों को पता है, जितने भी इंजीनियर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो सब स्किल्ड वर्कर में जो है वो आते हैं। अच्छा, अब आपको बता दे चलूं कि आपने अपने कंट्री से जॉब ढूंढनी कैसे है, ठीक है। एक तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, नदरलैंड ऑफिशियल वेबसाइट या नदरलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट, ठीक है, और मैं आगे चल के आपको बता भी दूंगा कि आपने किस तरह जाना है। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो या मोबाइल से मत खोला कीजिए वेबसाइट, ठीक है। आपका मोबाइल इतना हाई फाई नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता, मतलब यार कहना नहीं चाहिए, फिर आप लोग मुझे कहते हो कि यार वेबसाइट ही नहीं खोल दी, वेबसाइट नहीं खोल दी। सबसे पहले आपने लिखना है www वेलकम, ये यहाँ पे डैश डालनी है, ठीक है, इसको स्लैश कहते हैं, टू फिर स्लैश nl डॉट nl और फिर इस तरह से स्लैश, और सॉरी ये डैश है और ये स्लैश है, ठीक है। ये डैश डालनी है, फिर डैश डालनी है, हाफ डैश डालनी है, ठीक है, ये आपने डालनी है, या फिर आपको मैं आगे चल के गूगल पे भी लिख के दिखा दूंगा। सिर्फ आप गूगल पे लिखेंगे वेलकम टू nl फिर स्पेस फिर nl और ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, यहाँ पे देखें आपके सामने ये सारे मेन चीज़ होती है, जो आईटी के बंदे उन्हें तो पता होगा किस तरह से अप्लाई करना है। देखें, हमारे साथ वो लोग जुड़े होते हैं जो बेचारे बिल्कुल भी नहीं जानते कैसे अप्लाई करना है। बार बार ना पूछा करें, आप तरीका नहीं बताते भाई, मैं वीडियो इतनी लंबी हो जाती है तरीका बताते बताते। अब इसमें आपको वर्क, जॉब्स, लाइफ, इमिग्रेशन और
किस तरह से आपने जो है वो नेदरलैंड में आना है, ये नेदरलैंड की न्यू वेबसाइट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपके पास जो कंपनीज हैं अवेलेबल है इंडीड पे बनाने, लिंक्डइन पे आप लोगों के अकाउंट्स नहीं है, कितने मेरे भाइयों का अकाउंट ही नहीं है, जरा कमेंट करके बता दो। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है मुझे पता है, अब यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, और अगर अभी तक जो है वो कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो। आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है, सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनली जॉब्स मिलती हैं वो लिंक्डइन पे मिलती हैं। अब लिंक्डइन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मगर यहाँ पे आपके पास देखिए चूज जॉब्स आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे 5010 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है 5010 जॉब्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो जॉब फंक्शन चूज करना है, आप क्या करना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस इजी जॉब है यार, द मोस्ट इजीएस्ट जॉब कस्टमर सर्विस, 353 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है कस्टमर सर्विस की जॉब अवेलेबल है, आईटी की अवेलेबल है, लीगल मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑपरेशन, ठीक है अदर इंजीनियरिंग पीपल एंड एचआर का काम कितना इजी होता है यार गाइस, अगर आप पढ़े लिखे प्रोडक्ट, ठीक है जी, क्वालिटी इंश्योरेंस अच्छा, इसके अलावा सेल्स का काम सारे जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बेचना होता है उसको सेल्स, यहाँ पे वो इतना बड़ा वो वाला सेल्स नहीं होता, डर मत जाइएगा, बस सिंपली आपको चीज़ पकड़ा दी जाती है, आप वहाँ पे खड़े हैं और जो भी चीज़ उसने लेनी होगी वो आपने पिन करके दे देनी है। मैंने भी स्टार्ट में यहाँ पे सेल्स का काम ही किया था, बहुत ईजी काम होता है, ठीक है अच्छा। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस सेल्स आ गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भाई ये स्किल में आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है, कोई भी काम है, तो आप इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप काम कर सकते हैं। हाँ अगर आप रेडी लगाते हैं या आप जो है वो चूहे मार दवाई बेचते हैं, रोड पे चूहे मार दवाई ला लो, तो वो फिर आपके लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं है, ठीक है अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इनोवेटिव सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने कुछ इन्वेंट किया है, कुछ ऐसी दवाई बनाई है जिससे फ्लाइज मर रही हैं, या कुछ भी इन्वेंट किया आपने, कोई ऐसे मोबाइल बनाया है या कोई ऐसा कैमरा बनाया है या कोई भी चीज़ ऐसी रिमोट कंट्रोल गाड़ी बनाई है, तो जो जिसमें सोसाइटी को फायदा हो रहा है, ठीक है ओनली फॉर गुड फॉर सोसाइटी, तो आप यहाँ पे इनोवेटिव सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद आपको कोई ना कोई बुला ले एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपना स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं स्टार्टिंग एज अ बिजनेस, ये सब चीज़ें आप सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है, मार्शल आर्ट का, और इसके अलावा क्रिकेट का, लैपटॉप्स का, बाइक्स का, कार्स का, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मनी, हाउ मच मनी यू हैव, द मोर यू कैन इन्वेस्ट द मोर यू कैन गेट मोर मनी। अच्छा इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा आप इसके अलावा जो है वो एज अ इमिग्रेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, एज अ पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको 5 से 7 साल के अंदर जो है वो नेदरलैंड का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हम आगे इन सारी चीज़ों के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपको वर्क लाइफ जॉब्स के हवाले से सारे कुछ मिल जाएंगे, अगर आप जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो डायलॉग खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जॉब मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, यहाँ पे आपने जॉब लिखना है, आपको कौन सी जॉब चाहिए सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे, ठीक है ये ऑलरेडी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। तो आपने यहाँ से आप खुद डेस्टिनेशन चेक कर लेनी है, कि इसके अलावा जो रीजन जरूर चेक करना है आपने, ठीक है आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हैं, एम्स्टरडैम में जाहिर सी बात है ज्यादा जॉब होंगी, मगर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कभी भी मेन सिटी में मत जाया कीजिए, कोशिश किया कीजिए छोटे सिटी में जाएं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देसी कम होते हैं और जहाँ पे देसी कम होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि दूसरी साइड्स पे जाया करें, छोटे जो है वो प्रोविंस वगैरह में जाया करें, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट पे अगर आप किसी भी कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो डायलॉग खुल के आ जाएगा, और आप यहाँ से जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं इंडीड के थ्रू भी, इंडीड का तो आपको सबको पता होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी जाके अप्लाई का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप और शेयर जॉब अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं जॉब, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, फिर आप अप्लाई दबाते हैं, तो जब आप अप्लाई दबाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इसी जगह पे लिखा जाता है कि अपलोड अ सीवी। अब मेरे भाइयों को 50-60 पता नहीं कितने कमेंट्स आ सकते हैं, भाई मेरे पास सीवी नहीं है। अब बताओ यार, जिस बंदे के पास सीवी नहीं है उसको जॉन क्या करे, उसको अपनी जेब से पैसे दे या उसका हाथ पकड़ के उसको अप्लाई करे, भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे का हाथ पकड़ के जो है वो अप्लाई कराऊं, हर बंदे को जवाब दे रहा हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरा हर बंदे को रिप्लाई जा रहा है, मेरा इंस्टाग्राम है जॉन शाकी 1 और यूट्यूब चैनल है जॉन शाकी NY। देखिए मोस्टली कमेंट में तो आपको रिप्लाई नहीं, मगर अगर आपने मुझे मैसेज किया ना, आपको 24 आवर के अंदर जो है वो जवाब आएगा, क्योंकि मेरी टीम हैंडल कर रही है वो, ठीक है। इसके हवाले से इसके बाद अपलोड ऐसी भी भाई आप लोगों के लिए किया है, उससे मुझे ना कोई पैसे मिलते ना ही मैं कोई वीज़ा बेचता हूँ, ठीक है। जितने भी लोगों को जवाब दिए मैंने किसी को वीज़ा नहीं बेचा, सिर्फ आप लोग ताकि प्रॉपरली इंटरटेन हो सकें, ठीक है।
अपलोड अ फाइल यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, आपकी जो भी आपकी सीवी होगी ये देख लें, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अपलोड अ फाइल, आपकी जो भी सीवी होगी आपने ठक अंदर कर देनी है। इसके अलावा आपकी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फुल नेम वगैरह जो है वो आपने डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम, फिर ईमेल एड्रेस वगैरह, और अगर आपका नीदरलैंड का नंबर है तो यहाँ पे नंबर डाल देना है, वरना अगर नीदरलैंड के किसी दोस्त का नंबर है तो वो डाल देना, नहीं तो फिर अपना इंडिया पाकिस्तान जो भी आपने कंट्री चूज करना है और वहाँ पे नंबर डाल देना। और कवरिंग लेटर जरूर, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आपने कवरिंग लेटर लेना है या सीवी लेनी है, ठीक है। इसके अलावा सेंड कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ से आप, मैंने आपको पहले बताया, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और हो गया काम। चलिए आप सारी बातें खत्म करते हैं, अब हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। देखिए मैं आपको और इजी कर देता हूँ, ठीक है। आप ये जो है ना गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है जॉन शॉकी, मैं आ जाऊँगा ये नहीं करना है यार, नीदरलैंड के लिए अप्लाई करना है। देखिए नीदरलैंड की अप्लाई करना है तो आपने सिंपली जो है वो गूगल पे जाना है। वैसे आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, वो मोबाइल पे नहीं खोलनी है, आपके मोबाइल इतने हाई फाई सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं लैपटॉप पे, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो खुदा के लिए प्रोफेशनली अप्लाई करें, ठीक है। अब आपने जाना है इधर गूगल पे चले गए, अब मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे आपके सामने मैंने लिख दिया, और वेलकम वेलकम टू एनएल, ठीक है जी, वेलकम टू एनएल, ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये आपके सामने खुल गई है, मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया, नहीं करता बोल लोचे इसके, तो ये वही जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, आप ऊपर भी पढ़ सकते हो, वेलकम फिर डैश फिर टू डैश एनएल डॉट एनएल। फिर जो लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भाई वेबसाइट नहीं खुल रही, वेबसाइट नहीं खुल रही, तो भाई ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट खुल गई है। तो इसके अंदर आपको सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है कि आप जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब वगैरह के हवाले से जो मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए हैं, इमिग्रेंट्स के हवाले से भी दिखा दिए, फाइंड वे गो इन नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा लिव्स इन नीदरलैंड, वर्किंग इन नीदरलैंड पे जाना है आपने, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीजें देखें, गो टू नो डिश वर्क प्लेस कल्चर, ठीक है, आपको यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी इनोवेटिव, और जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे, अब जब मैंने उसके ऊपर तीन डॉट पे मेन्यू पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास वर्क लाइफ जॉब्स इमिग्रेंट, अगर आप इमिग्रेंट हैं तो आप एज अ इमिग्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जॉब पे जाने तो मैं जॉब्स के हवाले से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्क पे क्लिक करना है तो वर्क पे, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ करके दिखा दिया भाई, मैं एक एक बंदे का हाथ पकड़ के नहीं बता सकता। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो अपने आप को अकेला कर लीजिए और खुद रिसर्च करना शुरू कीजिए, लड़कियों की वीडियोज देख के, मोहब्बतें करके, प्यार करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ बनना है